हेलो फ्रेंड, मैं हूं देवेंद्र गुप्ता। वेलकम टू सॉफ्टवेयर होप चैनल। आज की इस वीडियो में मैं एक यूजफुल सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता हूं। ये उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है जिस किसी का लैपटॉप का कीबोर्ड खराब हो चुका है या फिर वो एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करता है। इस केस में क्या होता है कि जब भी हम एक्सटर्नल कीबोर्ड यूज करते हैं तो सपोज कि मैंने कैप लॉक ऑन किया तो उस समय कैप लॉक ऑन हो गया, ये कैसे हमको समझ में आएगा? तो हमको वो समझ में नहीं आता है। या फिर सपोज कि हमने न्यूमेरिकल ऑन किया तो भी हमको समझ में नहीं आता कि न्यूमेरिकल वो ऑन हो गया है कि नहीं हो गया, क्योंकि हमारा इंडिकेटर और लैपटॉप का इंडिकेटर वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमारा कीबोर्ड खराब हो चुका है। उस समय हमको ये कैसे पता चले कि वो हमारा कैप्स लॉक ऑन हो चुका है या फिर कैप्स लॉक ऑफ हो चुका है? इसलिए मैं इस सॉफ्टवेयर के बारे में बताना चाहता था क्योंकि ये प्रॉब्लम मैं ऑलरेडी फेस कर चुका हूँ। ये प्रॉब्लम आप फेस ना करें। और मेनली क्या होता है कि जब भी हम कोई लैपटॉप का कीबोर्ड चेंज करने की बात आती है तो इनबिल्ट कीबोर्ड है वो कम से कम 2000 के ऊपर हमारा कॉस्ट बढ़ जाता है। तो अगर हम उस केस में क्या करते हैं, हम स्टैंडर्ड कीबोर्ड यूज करते हैं। स्टैंडर्ड कीबोर्ड क्या है, नॉर्मली 600-700 में मिल जाता है लेकिन उसमें इंडिकेटर का जो फैसिलिटी है वो नहीं रहता है। तो उस केस में हम क्या करें, कैसे हमको समझ में आए कि इंडिकेटर ऑन है या फिर नहीं है? उसके लिए एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम है टाई स्टेटस। चलो हम लोग देख लेते हैं टाई स्टेटस कैसे वर्क करता है और हमको कहां से डाउनलोड करना है। सबसे पहले चले जाएंगे क्रोम ब्राउजर में एंड सर्च करेंगे टाई स्टेटस एंड जो भी पहला लिंक आएगा उसको ओपन कर लेना है। मैंने ऑलरेडी ओपन करके रखा है। आपको चले जाना है यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में और यहाँ से फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं आप और यहाँ से प्रो वर्जन भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। चलो इंस्टॉलेशन देख लेते हैं। ये देखो यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखा है, यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। ओके, एक्सेप्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट, कंटिन्यू। लॉन्च कर लेंगे। चलो कुछ सेटिंग कर लेते हैं। स्टार्ट विंडो को हमेशा चेक रखेंगे और अप्लाई करके रखेंगे। उससे क्या होगा, कभी भी हमारा जब भी विंडो स्टार्ट होगा, हमारा जब भी सेट डाउन रहता है पीसी और स्टार्ट होगा तो उस केस में वो ऑटोमेटिकली हमारा ये जो इंडिकेटर है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा, एक्टिवेट हो जाएगा। तो हमको वापस से उसको सेटिंग नहीं करना पड़ेगा, नहीं तो हमको उस सॉफ्टवेयर को लॉन्च करके वापस से अप्लाई करना पड़ेगा तभी वो एक्टिवेट होगा। इसलिए हमको स्टार्ट विंडो को हमेशा चेक पे ही क्लिक करके रखना है, अप्लाई करके ही रखना है। दूसरा हमारा सेटिंग है स्टेटर और इंडिकेटर में। इंडिकेटर्स में कभी भी डार्क आइकॉन पे ही रखिए क्योंकि दूसरे ऑप्शन में अगर हम करेंगे तो हमारा विजिबिलिटी प्रॉपर नहीं है क्योंकि अभी ये हमारा फ्री वर्जन होने की वजह से यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन नहीं दिया है। अगर ये प्रो वर्जन होता तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं जैसे अलग अलग कलर्स के ये बैकग्राउंड कलर्स अलग रहते हैं, उसके उसके टेक्स्ट के कलर अलग कर सकते हैं। तो हमारा ये तो फ्री वर्जन है इसके वजह से हम कभी भी डार्क आइकॉन पे ही क्लिक करके रखेंगे। उससे क्या होगा, हमारा देखिए अभी ये विजिबिलिटी एकदम क्लियर दिखता है यहाँ पे। बस हमारा इतने ही सेटिंग करना है, ये हम इस सॉफ्टवेयर को इजीली यूज कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।